देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। समाजवादी पार्टी की संविधान बचाओ यात्रा आज कन्नौज तिरवा रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर पहुंची। अधिवक्ता महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यह यात्रा 31 अगस्त को शुरू हुई थी। सपा कार्यालय में यात्रा की हुआ कर प्रदीप कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नई शिक्षा नीति लाने की बात कर रही है क्योंकि इस शिक्षा नीति में समाजवाद का शब्द हटाकर आरएसएस की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी करे। उन्होंने नया सांसद भी बना लिया है और नए सांसद में नए संविधान का आयोजन करेंगे। प्रदीप यादव ने कहा कि अगले वर्ष होने वाले एक बड़ी रानी की मानी जा रही है। प्रदेश में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के लिए सपा अधिवक्ता महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने संविधान बचाओ रैली का आगाज कर दिया। यह रैली जिले जिले जाकर अधिवक्ताओं के साथ चर्चा करेंगे और अधिवक्ताओं को बताएंगे किस तरह के संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में जंगलराज कायम है। बहु बेटियों की इज्जत तार तार की जा रही, यहाँ तक कि वह संविधान की तक नहीं मानते। जब दिल्ली के रामलीला मैदान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अखिलेश यादव ने जब धरना प्रदर्शन किया तो उनकी पुलिस कस्टडी में रखा गया और उनका धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। और वहीं पर रामदेव धरना प्रदर्शन करते हैं, उनको कोई भी नहीं रोकता। वह लोग सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानते हैं कि मैं कोर्ट नहीं, उन्हीं का संविधान खतरे में है। ये लोगों संविधान को बचाओ, अगर संविधान खत्म हो गया तो फिर लोग गुलामी की जंजीर में बन जाएंगे। इसको लेकर जगह जगह संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। 2022 पिछली सरकार बनने जा रही है जिसके लिए अधिवक्ता महासभा पूरी तरह से मेहनत से में जुट गई है। कन्नौज से जिला संवाददाता सीबू सैनी की खास रिपोर्ट। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।